हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, सेबी टाइटन्स नॉर्म ऑन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, इजेस्ट रूल फॉर डीलिस्टिंग। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हम लोग अब रील देखते हैं, रील में सब लोग बताते हैं, अरे इसमें पैसा लगाओ, इस स्टॉक में पैसा लगाओ, घर मत खरीदो, उससे अच्छा है कि तुम गोल्ड खरीदो, उससे अच्छा है कि तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि एसआईपी चालू करो, उससे अच्छा है कि तुम शेयर कर दो, इसके शेयर कर दो, एक्स वाई जेड कंपनी का नाम बताते हैं उसको अच्छे से, सब कुछ उसकी स्टडी करके। तो ये हो गए आपके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। तो उसी के ऊपर सेबी ने कुछ नॉर्म्स टाइटन किए हैं। इंडियाज मार्केट रेगुलेटर, तो ये सेबी है अपनी इंडिया शेयर मार्केट की रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटर। ऑन थर्सडे आस्क ब्रोकर एंड म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉप यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज। तो मतलब मानो कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, अब जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स है म्यूचुअल फंड से, वो उन लोग को पैसा दे के एड का बोल देंगे कि मेरे में तुम ऐड करो, मेरे कंपनी का तुम ऐड करो। जैसे कोई दिखा देगा कि देखो मैं जीरोधा यूज कर रहा हूँ, कोई दिखा देगा मैं एंजल वन यूज कर रहा हूँ। तो उसी से रिलेटेड ये सेबी ने मना किया, जो अनऑथराइज है उन लोग को मत दो तुम लोग ऐसे कोई ऐड करने के लिए। अ बूमिंग इंडियन स्टॉक मार्केट हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हु एडवाइज ऑन स्टॉक एंड अदर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स थ्रू देयर चैनल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, जैसा मैंने आपको बताया, एंड ऑफन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर। ठीक है, क्योंकि लोगों को सोचते हैं ना, सब लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे पैसा मिल जाए, काम करने को ना मिले, और ये लोग वैसे ही इन लोग को सपना दिखाते हैं। The decision was taken to address the concern related to certain person, including unregulated entities, introducing investors to deal in securities based on inappropriate claim. The Securities and Exchange Board of India. So, Security and Exchange Board of India, SEBI ka full form, said in a press statement issued after a board meeting. It, however, added financial influencers engaged in investor education will be exempted from the new restriction. India had 154 million trading accounts as of April, as per SEBI data, a more than four times jump from 36 million trading account in April 2019. So, आप देखो, 36 million से 154 million आ गया। 1 million होता है 10 लाख, 10 million होता है 1 करोड़, और 1 करोड़ होता है 10 million, तो 100 million हो गया 10 करोड़, 15 मिलियन आप देख लो फिर, 154 मिलियन। इट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी टू इंश्योर इंडिविजुअल्स विथ होम इट इज एसोसिएटेड टू नॉट ब्रीच द रूल्स ऑफ कंडक्ट सेट बाय द सेबी इंक्लूडिंग अवॉइडिंग द प्रॉमिस ऑफ अश्योर्ड रिटर्न। ठीक है, कि वो लोग ये करते हैं, प्रॉमिस ऑफ अश्योर्ड रिटर्न। तो ज्यादा फॉलोअर है, ज्यादा पैसा जा रहा है, ज्यादा पंप हो रहा है, और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, लोगों को लग रहा है सब अच्छा चल रहा है। Derivative linked stocks. SEBI also introduced new criteria to decide on stock that can be linked to derivative products such as futures and options. As proposed in the discussion paper earlier this month, the total number of the stocks eligible for derivative trading will be rise marginally, SEBI chair Madhvi Puri Bhuj said. The SEBI board also approved changes to delisting rule that would make it easier for companies to exit from stock exchange. अब देखो क्या हो गया, तुम्हारी कंपनी है, तुमको हटाना है स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके लिए रूल तुम्हारे लिए इजी कर दिए गए हैं। कंपनीज कैन नाउ ऑफर शेयर होल्डर फिक्स्ड प्राइस फॉर शेयर एज एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू डिलिस्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। करंटली डीलिस्टिंग इज कैरिड आउट वाया रिवर्स बुक बिल्डिंग। अब देख लेते हैं क्या होता है इसमें, इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेबी, ठीक है, सेबी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर थोड़ा सा टाइट किया गया है नॉर्म्स, ठीक है, और जो डिलिस्ट करना है कंपनी को वहाँ पे इजी नॉर्म किए गए हैं कि ठीक है, तुमको ही नहीं लग रहा तुमको कंपनी हटानी है तो हम क्यों रोके, आराम से निकलो। तो इसमें दो तरीके हैं, आप देखो, डिलिस्टिंग इज कैरिड बाय रिवर्स बुकिंग, रिवर्स
बुकिंग, बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग, ठीक है। ये तो एक तरीका जो अभी यूज हो रहा है, और इन्होंने एक नया तरीका दिया है, फिक्स्ड